हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास टेंथ से सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में वैसे ये एक्सरसाइज ऑप्शनल दे रखी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 to 4 मार्क्स में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर जीरोज। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक, उसके आपको दो जीरोज दे रखे हैं 2 प्लस माइनस रूट 3, और आपको इसके बाकी बचे हुए सारे जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब फ्रेंड्स, पहली चीज तो आप इसको एक जीरो मत मानिएगा कि हमें एक ही दिया है, यहाँ पे हमें दो जीरो दिए हैं, एक 2 प्लस रूट 3 दिया है, एक 2 माइनस रूट 3 दिया है, सही है। तो हमें दो जीरोस दिए हुए हैं और इसकी जो डिग्री है वो है 4, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोस आएंगे और हमें पहले से 2 दे रखे हैं, इसका मतलब हमें 2 और निकालने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो इसके जीरोस दे रखे हैं उसे हम लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अल्फा बीटा को जीरोज मान लिया, देन अगर मैंने अल्फा बीटा को जीरोज मान लिया है तो अल्फा को मैं ले सकता हूँ 2 प्लस रूट 3 और मैं बीटा को ले सकता हूँ 2 माइनस रूट 3। बीटा को बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, कोई परेशानी कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अल्फा बीटा मैंने जीरोज माने तो अल्फा की मैंने 2 प्लस रूट 3 ले लिया, बीटा दिया 2 माइनस रूट 3, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 2 माइनस रूट 3 को अल्फा भी मान सकते हैं और इसे बीटा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स, आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए कि अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो इन दोनों जीरो से या रूट से बनने वाला जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो भी तो इसका फैक्टर ही होगा, सही है कि नहीं। अगर ये दोनों जीरोज हैं यानी कि ये दोनों इसे एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो इनसे बनने वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो भी तो इसका फैक्टर होगा, वो भी तो डिवाइड करेगा। और आप जानते हैं अगर हमें कोई दो जीरोज दिए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका फॉर्मूला मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में डिस्कस किया, आप जानते होंगे। मैं फिर से लिख देता हूं, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, ये मैंने पहले भी फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूं और मैं उसका डेरिवेशन भी करा चुका हूं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा इज, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा बीटा है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो पॉलिनोमियल होता है। ये आपको डायरेक्टली इसकी इक्वेशन याद रखनी है, सॉरी इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है हमारे पास 2 प्लस रूट 3, बीटा कितना है 2 माइनस रूट 3, सही है। अल्फा और बीटा की दोनों में वैल्यू रख दी एडिशन में, एक्स का एक्स आ जाएगा ये वाला लगा हुआ है, प्लस का प्लस आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की वैल्यू रख दी। उसके बाद मैं लिखूंगा, देखिए यहां से ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस 2 कितना बच रहा है अंदर 4 इंटू एक्स, यानी कि फाइनली बचा 4x, सही है। ये यहाँ पे प्लस आ गया ये वाला। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सही है कि नहीं। ये लग गया ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर फिर भी मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 में से 3 गए तो कितने बचे, प्लस का ये बचेगा 1 बचा। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो पॉलिनोमियल आया है ना, ये क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपको ऊपर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये फैक्टर आया है, एक मिनट, ये वाला पॉलिनोमियल, ये पी एक्स,
ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो ये आया ना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये फैक्टर आया है। फैक्टर क्यों आया है? क्योंकि ये किससे मिलके बना है? जीरो से। तो ये खुद भी फैक्टर है, फैक्टर है। तो ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जीरो ही बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा। अब आप सबको पता है एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, फ्रेंड्स या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक, पॉज करके इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, मेरे पास क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, उस पॉलिनोमियल से मैं इसे डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, और इसमें जो क्वेश्चन बचेगा, चलिए मैं पहले करके दिखा देता हूं आप सभी को। फ्रेंड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने पेज का लिंक भी डाल दूंगा, आप मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए यहां से लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सबको करना आता है, फिर भी मैं बता देता हूं जिनको नहीं आता। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लिया कीजिए, तो एक्स टू दी पावर फोर को एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर। यानी कि मैं अगर इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर फोर, सही है, माइनस फोर एक्स का। अब इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर में, सारे टर्म्स का करते हैं फिर, ठीक है। माइनस फोर एक्स का एक्स स्क्वायर में किया तो माइनस फोर एक्स क्यूब, जो क्यूब के नीचे ही क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस वन का एक्स स्क्वायर में किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से नहीं आता है तो मेरी नाइन्थ क्लास की वीडियोस देखिए पॉलिनोमियल्स की, मैंने वहां सिखा रखी है मेथड, ठीक है। इसे मैं कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। फ्रेंड्स जैसे ही इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज किए थे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और फिर प्लस का माइनस, तो साइन चेंज करने के बाद में अब इसके लिए ये साइन नहीं माना जाएगा, अब इसके लिए प्लस का साइन माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस के सिक्स एक्स क्यूब में से अगर प्लस का फोर एक्स क्यूब गया तो क्या बचा? माइनस का टू एक्स क्यूब। माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर है और माइनस का ही एक्स स्क्वायर माना जाएगा, अब ये इसके लिए प्लस का माना ही नहीं जाएगा। मैं दो मिनट हटा देता हूँ, माना नहीं जाएगा इसके लिए, साइन चेंज हो गया लेकिन लिखा रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे हटाते नहीं है, बस समझाने के लिए। कितना बचेगा? माइनस माइनस, माइनस का ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का वन थर्टी एट एक्स ऐसे ही रहा और माइनस का थर्टी फाइव एज इट इज आप नोट कर लेंगे ऊपर से, इनके साइन चेंज मत कर दीजिएगा, नीचे वालों के होते हैं बस, ठीक है, ऊपर लिखे हुए। अब मैंने इस माइनस टू एक्स क्यूब को फिर से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का टू एक्स। भैया करके देख सकते हैं आप रफली, ठीक है, यहाँ कर लो ज्यादा हुआ तो। देखो माइनस टू एक्स क्यूब को अगर हमने, माइनस टू एक्स क्यूब है, अगर हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो दो पावर से दो पावर कट गई, माइनस टू एक्स बचा, ठीक है। इसका मतलब माइनस टू एक्स का जब मैं एक्स स्क्वायर में करूंगा तो माइनस टू एक्स क्यूब ही आएगा, आएगा। माइनस फोर एक्स का अगर मैं माइनस टू एक्स में करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस का एट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर टू जार एट एक्स स्क्वायर, और फिर मैं इस प्लस वन का माइनस टू एक्स में करूंगा तो आ जाएगा माइनस का टू एक्स। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज किए और कुछ नहीं किया, कैंसिल हो गया माइनस प्लस। माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस का ही एट माना जाएगा फिर से, तो माइनस के थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वन फोर्टी एक्स हो जाएगा और ये माइनस का थर्टी फाइव बचेगा, ये प्लस प्लस है दोनों के, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से तो सीधा सीधा बचेगा माइनस का थर्टी फाइव, यानी कि माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर का माइनस थर्टी फाइव में तो यही आएगा। माइनस फोर एक्स का अगर हमने मल्टीप्लाई किया माइनस थर्टी फाइव में, क्या बचा? प्लस का वन फोर्टी एक्स, सही है, ये प्लस का है। उसके बाद प्लस वन का माइनस थर्टी फाइव में किया तो क्या बचा? माइनस का थर्टी फाइव, ये प्लस का हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, साइन चेंज। और मैं देख पा रहा हूँ ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, जीरो बच रहा है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, सारे अपोजिट साइन के तो कैंसिल हो गए, और जीरो बचना भी चाहिए। अगर यहाँ जीरो नहीं बचा ना तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं मतलब गलती हो गई आपसे, फिर से उसे रीचेक करिए, दोबारा करिए। तो अब जीरो बच रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक, ये चेक करने का तरीका है। अब सुनिए, ये सब आपने कर लिया, अब इतना करने के बाद में जो हमारे पास में जो क्वेश्चन बचता है, ठीक, उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और दो जीरो निकालेंगे। लेकिन भैया एक बात है,
कि क्वेश्चन जो आया है हमारे पास फ्रेंड्स वो क्या आया है, पॉलिनोमियल की फॉर्म आई है, सही है, लेकिन हमें निकालने क्या है, जीरोज निकालने हैं। और मैंने नाइन्थ क्लास में ही बता दिया था कि पॉलिनोमियल से जब जीरोज निकालते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, ये रूल होता है जीरो निकालने का। जैसे ये क्वेश्चन आया था, मैंने जानबूझ के से रब नहीं किया, यही तो आया क्वेश्चन, इससे अब दो जीरो निकलेंगे, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जो मेरे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, इसे मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि ये जीरो निकालने का रूल होता है कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं तभी उसके जीरोस निकलते हैं, सही है। चलिए अब आगे सुन लीजिए, ऐसी कोई दो फैक्टर बताइए कि प्लस माइनस करके तो 2i और मल्टीप्लाई करके 35, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती होगी, 7 और 5, माइनस के 7x में से अगर प्लस के 5x गए तो माइनस का 2x बचेगा और 7 5 35 आ गया, सही है। चलिए बाकी मैंने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 7 बचा, प्लस का इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया तो ये बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी सही है, नहीं तो गलत है। x माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ गया, फिर बचा क्या, ये x बचा और ये प्लस का 5 बचा इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स दोनों को एक एक करके हम एक एक करके दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक, और एक्स की वैल्यू यहां से तो प्लस 7 आई है और यहां से एक्स की वैल्यू माइनस 5 आई है, ठीक है, माइनस 5 अच्छे से नहीं बना, लो अब बना देता हूँ, ठीक है, बन गया। अब देखिए ये दो जीरोज आ गए, उसने तो लेकिन ये पूछा था फाइंड ऑल जीरोज या अदर जीरोज, दूसरे भी निकालिए, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख आइएगा, देयरफॉर ऑल द फोर जीरोज आर 7 माइनस 5 और एक क्वेश्चन के दो जीरोज ये दिए 2+√3 एंड 2-√3, ये चारों जीरोज हो गए। तो फ्रेंड्स ये था पूरा सॉल्यूशन, ये 3-4 मार्क्स में आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।